तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप टीचर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे, वो भी पेपर की हेल्प से। आपको यहाँ पर एक A4 साइज पेपर लेना होगा, रेड कलर का ले लीजिएगा। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर A4 साइज पेपर को आप हाफ कट करके एक यहाँ पर डिफरेंट कलर का पेपर ले लीजिएगा। इसी तरह ब्लैक पेपर चाहिए, फिर इसके बाद आपको एक येलो कलर का स्क्वायर शेप में पेपर लीजिएगा। एक आप सर्किल यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ दोस्तों। एक मार्कर चाहिए, फेविकोल या कोई गम हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और आपको एक सीजर चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले देखिएगा, इसको पहले हम साइड में लगा देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और क्राफ्ट बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको इस रेड कलर वाले पेपर पर ऊपर के साइड में एक डिज़ाइन बनाना होगा। देखिए किस तरह डिज़ाइन बनाना है, पहले आप इधर एक हाफ सर्किल बनाइएगा, यहाँ पे ऐसे करना है, फिर एक हाफ सर्किल और इधर ऐसे बना दीजिएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस हम आगे की तरफ भी रिपीट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। और दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। कट करने के बाद दोस्तों ब्लैक पेपर लीजिएगा, और इस पेपर को हम यहाँ पे नीचे के साइड में लगा देंगे। नीचे के साइड में लगाने के बाद फिर आपको मार्कर यूज करना है, यही सेम डिज़ाइन बनाना है लेकिन इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा। देखिए यहाँ पे पहले इसको हम एक साइज़ में लगा देते हैं, यहाँ से आप ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा, इसी तरह इसको बड़ा करके हम कट कर देंगे। के बाद आपको एक येलो कलर का पेपर लेना है, कोई और कलर है तो आप वो भी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे बीच से फोल्ड करना होगा, इसको फोल्ड करिएगा, फिर इधर से आप इसे इस कॉर्नर को यूज करते हुए यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे। इस तरह आपका एक ट्रायंगल शेप में बनके तैयार हो जाएगा। फिर से आपको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, और आपको इस पेंसिल या मार्कर की हेल्प से एक डिज़ाइन बनाना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ सर्कल, बनाइएगा, ऐसे हम मिला देंगे, और इसको भी हमें कट करना होगा। और दोस्तों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको पता ही होगा कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, यानी इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, इसीलिए टीचर्स डे मनाया जाता है। और अगर आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कहाँ हुआ था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसको ऐसे हम कट कर देंगे, कट करने के बाद ओपन करिएगा, और बीच में देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको फ्लावर यहाँ पर दिखेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और फोल्ड करके एक कट और मारते हैं, अभी सही से नहीं कट हुआ है, इसको थोड़ा सा और नीचे के साइड में कट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फ्लावर शेप में दिख रहा है, और इस वाले जो सर्किल कट किया था हमने, इसको बीच में ऐसे पेस्ट करना होगा। चलिए इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हैप्पी टीचर्स डे यहाँ पे लिख दीजिएगा।